सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछे सर कॉलेजेस कब तक रीओपन हो गए, क्योंकि स्कूल्स को तो गवर्नमेंट रीओपन करने की सोच रही है लेकिन कॉलेजेस कब तक रीओपन हो गए। तो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है। तो गाइस देखो, इसका आंसर सिंपल सा है। देखो गाइस, कॉलेज अगर रीओपन करने तो सिर्फ एक कॉलेज ओपन नहीं होगे, आपको उसके लिए पीजी, हॉस्टल्स, रूम सर्विस और जो मतलब कुकिंग और होते हैं, टिफिन सर्विस, मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें रीओपन करनी पड़ेगी। साथ में ट्रांसपोर्ट को भी रीओपन करना पड़ेगा और भी कई सारी चीज़ों को भी रीओपन करना पड़ेगा। तो मतलब एक कॉलेज को ओपन करने के साथ में पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें रीओपन करनी पड़ेगी, वरना क्योंकि आपको पता ही कि एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से। तो उस पूरी चीज़ को एक तरीके सही तरीके से चलाने के लिए कॉलेज को ओपन करने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। मिनिमम अगर मैं आप मेरे से पूछोगे कितना टाइम लगेगा, तो मिनिमम लगेगा कम से कम 2 महीने और, मतलब नवंबर की एंडिंग तक कॉलेज ओपन होने के चांस है। गाइज देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सिंपल सा पहला कारण तो यही है कि कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दूसरा वजह ये भी है कि कॉलेज के अंदर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक स्टेट से बच्चे नहीं होते, ऑल ओवर वर्ल्ड में से बच्चे आते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया की कई सारी ऐसी कॉलेजेस है जहाँ पर दूसरी कंट्रीज से भी बच्चे आते हैं। तो एक कॉलेज के अंदर सिर्फ एक स्टेट से या फिर एक कंट्री से बच्चे नहीं आते, कहीं से भी बच्चे आ जाते हैं। तीसरी बात गाइज, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस वगैरह या फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉलेज के अंदर कभी डिसिप्लिन बनती नहीं है। चौथी बात गाइज, कॉलेज ओपन हो गए तो आपको हॉस्टल्स, टिफिन सर्विस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और भी जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो सारी ओपन करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको खुद को पता लग गया कि अभी ये सारी चीज़ें ओपन करनी बहुत मुश्किल है। तो उसी को देखते हुए गाइज, आप मान के चलो कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं होगे तब तक कॉलेज ओपन होने में भी टाइम लगेगा। बाकी गाइज, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, कौन से स्टेट इस रिस्क को मेंटेन कर सकते और कौन से स्टेट नहीं कर सकते। वैसे गाइज, मेरे को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी अक्टूबर के अंदर तो स्कूल कॉलेजेस को ओपन नहीं करेगी, स्कूल को ओपन करने के बारे में सोच सकती है लेकिन कॉलेजेस को अभी ओपन करने के बारे में नहीं सोचेगी। कॉलेज अगर ओपन हो गए तो या तो नवंबर की मिड से या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से। बाकी गाइज, कॉलेज रीओपन पर जैसे कोई दूसरी अनाउंसमेंट होती है या फिर दूसरा अपडेट आता है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। गाइज, हो सके तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना, जिससे उनको समझ आ सके और पता लगे कि कॉलेज कब तक रीओपन होने वाले हैं। और गाइज, अगर वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको कोई और दूसरा क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खाली, वहाँ पर कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर या फिर उस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो में तो सेफ रहो।